Okay, Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Sharif. I have qualified CSS 2019 and I have been allocated into Police Service of Pakistan. Before that, I was part of the PMSN. I've qualified this exam for two consecutive times. However, I qualified my CSS exam in my second attempt, and in first attempt, I failed in Islamiyat by securing 37 marks. So three numbers may fail together. But in all four consecutive attempts, I've been able to actually qualify SA. And this has been very unusual for, this is very unusual for a candidate to consecutively qualify English SA paper, which is otherwise thought to be the toughest nut to crack. But keeping all the odds aside, this could have been possible only because of certain skills, certain strategies that we require in order to qualify such exams. And obviously the luck factor that plays an integral and important role in our overall, let's say, preparation. So we formally start what we are going to discuss today. Here is the module for that. Okay. We will talk about following things in our orientation session. The utmost focus will be on following things. Let me define the objectives. सबसे पहले तो हम इस idea के ऊपर बात करेंगे कि what makes English essay different from other subjects. मतलब CSS में हमें हमारे पास 12 paper होते हैं और 12 paper हर तरीके से एक दूसरे से different होते हैं. Dynamics of composition paper are entirely different than from the dynamics of the, let's say, current affairs paper. Let's say Pakistan affairs का paper Islamiyat के paper से बहुत ही different होता है. तो जैसे हर paper की ये खास dynamics होती हैं, English essay के paper की भी ना कुछ खास dynamics होती हैं. और उन dynamics को मैं समझता हूँ कि समझना बहुत important है. Before we formally start what essay is and let's say how to write a full length essay and how this session is going to help you out in that. Second चीज़ जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है 90% हमें जो फेल्यूर का रेशो नजर आता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में इसके ऊपर, खास तौर पर जब हम इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं और हमें इतना ज्यादा फेल्यूर का जो रेशो है वो मिलता है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. क्यों ऐसा है कि सारा साल एस्पायरेंट्स पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, चंद लोग असेसमेंट भी कराते हैं, बट डिस्पाइट एवरीथिंग हमें हर साल वही रिजल्ट देखने को मिलता है. हम 2013 से या लास्ट डेकेड की अगर हम एनालिसिस करें तो कोई 600 से ज्यादा लोग हार्डली ऐसे को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इन 600 को भी अगर हम क्वालिफाइंग रेशियो में देखें तो फिर हार्डली 2% ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ओवरऑल एग्जाम क्वालिफाई होता है. तो अगर हम पिछले 3-4 साल में देखें तो 2017 में एसए के पेपर में हार्डली कोई, अगेन 3% लोग पास हुए. 2018 में रिलेटिवली ज्यादा लोग पास हुए, अराउंड 2000 प्लस, लेकिन दैट इज नॉट अगेन द गुड रेशियो एज इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स, क्योंकि अराउंड 20,000 प्लस कैंडिडेट्स एक्चुअली अपियर इन दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो बाकी ये जो 18,000 लोग फेल हो रहे हैं उनका क्या है? सेम गोज फॉर 2000, लेट्स से 18, 2019, 2020 और 2021 का जो एग्जाम हो गया है, अगेन जिस तरह के पेपर्स हुए, हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि अगेन द फेल्यूर रेशियो रिमेन सेम. अब इस बात से हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि इंग्लिश एसे पेपर इज द ओनली डिसाइडिंग पेपर ऑफ हु इज गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम एंड हु इज नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. तो फिर हम इसमें इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डज एग्जामिनर रिपोर्ट बेसिकली से अबाउट इंग्लिश ऐसे, क्योंकि जब जैसे ही पेपर्स हो जाते हैं, रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, तो एग्जामिनर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट शाया करती है ताकि आने वाले कैंडिडेट्स के लिए आसानी हो ये बात समझने में कि क्यों इतने सारे कैंडिडेट्स फेल होते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, लाया मतलब क्या होना चाहिए अपनी जो गलतियां उन्हें इम्प्रूव करने के लिए. ये ऑलमोस्ट हर साल पब्लिश होती है, किसी साल अगर पब्लिश नहीं भी हुई तो पिछले जो साल की रिपोर्टें हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ गाइडेंस है. हम उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. एक और हम बात करेंगे कि फिर ये तमाम तर चीज़ें हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट भी है, लोग इतनी मेहनत भी करते हैं, तो ऐसा क्या है इंग्लिश ऐसे में यूनिक जो लोग जो है वो अभी तक समझ नहीं पाए या नहीं मतलब उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया है.
So we will be talking about this idea that how you can crack English essay before it actually cracks you. आगे मूव करने से पहले अगर मैं थोड़ी सी एक बात कर लूँ कि ये जो एनोटेशन हैं लाइन्स हैं अगर आप ये ना लगाएं तो वी कैन जस्ट कंटिन्यू अवर लेक्चर विदाउट एनी लेट्स से डिस्टर्बेंस क्योंकि आई जस्ट एक्सपेक्ट अ मैच्योर बिहेवियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू थैंक यू सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग के वॉट डज एसे डिमांड क्योंकि अब अगर हमें डिमांड पता चल गई तो वी वुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर सेल्स इन दैट पर्टिकुलर मैनर सो दैट वी कैन क्वालिफाई इट विदाउट एनी हेजिटेशन. नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट के इन सारे इस सारे सिनेरियो में इस पूरी सिचुएशन में हाउ इज दिस सेशन गोइंग टू हेल्प यू आउट वॉट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सेशन एंड वाई दिस सेशन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट थिंग. फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर आप जो इंग्लिश एसे का सी एस एस सिलेबस में जो 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 आपको कंटेंट दिया गया है उसमें कोई लंबा चौड़ा उसे डिफाइन नहीं किया गया कि हाउ दिस पेपर इज गोइंग टू बी. बस उसमें सिंपल ये बात की गई है कि भाई आपको एक एसे लिखना होगा और आपको जो है ना वाइड चॉइस मिली होगी. बेसिकली 10 टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे जिसमें से आपने एक टॉपिक के ऊपर जो है वो ऐसे अटेम्प्ट करना है. दैट वुड बी फॉलोड बाय द सेकंड आइडिया जिसमें बात की गई है कि भाई आपने जो भी ऐसे लिखना है दैट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव जिसमें आपकी रिसर्च बेस्ड जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. आपकी आर्टिकुलेशन आपका एक्सप्रेशन और ये जो ऐसे के टेक्निकल डायनामिक्स हैं कि आउटलाइन मेकिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अच्छे लिखे होने चाहिए बॉडी पैराग्राफ्स में एनालिसिस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने की हो एंड इवेंचुअली आपने जो भी बात की है उसे सब्सटेंशियल मैनर में जस्टिफाइबल मैनर में लिखा हो ये बातें की गई हैं. लेकिन मेरे नज़दीक इंग्लिश एसे का जो पेपर है उसमें बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर ये जो हमें सिलेबस दिया गया है इससे नहीं मिलती. मसलन हमें इसमें से हरगिज हरगिज ये नहीं पता चलता कि हम इंग्लिश ऐसे की तैयारी के स्टार्ट कैसे लें हम किन किन तरह के टॉपिक्स को प्रिपेयर करें इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है ऐसे का पेपर है ऐसे का उसे प्रिडिक्टेबल कैसे बनाएं अपनी तैयारी में कौन कौन से फ्लॉज हैं जिनको हम कैटर करने की कोशिश करें किस रूटीन में हम अपनी ऐसे की प्रिपरेशन को लेके चलें. मसलन हमारे पास हर साल कोई 8-10 महीने हो जाते हैं जब हम मतलब तैयारी शुरू कर लेते हैं बेयर मिनिमम टाइम इतना हम ले लेते हैं अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन में तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए दैट इज इम्पॉर्टेंट उसको हम थोड़ी सी डिस्कशन में लाएंगे. ओके सो नेक्स्ट हम अब इसमें बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो कि मैंने अभी आपके सामने रखा है कि व्हाट डज व्हाई दिस पर्टिकुलर इंग्लिश एसे पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स. तो हियर आर द डिफरेंसेस दैट यू कैन एक्चुअली कीप इन माइंड. पहला डिफरेंस ये है कि अंग्रेजी के पेपर और दीगर पेपर्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है. मसलन आप करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में अंग्रेजी की गलतियां कर लें तो यू वुड नॉट बी पेनलाइज्ड इन द मैनर एज यू वुड बी पेनलाइज्ड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एसे पेपर. इंग्लिश एसे पेपर में पहली चीज याद रखें कि आपकी इंग्लिश जो है वो एरर फ्री होनी चाहिए. अब इसमें ह्यूमन एरर्स हो सकती है. मसलन आपने जाहिर सी बात है 2000+ वर्ड्स का एसे लिखा है तो कहीं पे माइनर एस या ये इसकी मिस्टेक्स हो सकती हैं कहीं पे थोड़ी सी डू डज या हैव हैज की मिस्टेक्स हो सकती हैं लेकिन वो रेयर होनी चाहिए. कोई एक दो हो तो वो समझ आ जाती हैं लेकिन ऐसा ना हो कि हर पैराग्राफ में हर पैसेज में आपकी फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स हैं तो दैट वुड हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट. अब हम एरर फ्री इंग्लिश अचीव कैसे कर सकते हैं. इफ यू आर अ नोवाइस कैंडिडेट व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज कि आप अपने पहले टेंसेस के ऊपर काम करें फिर आप एक्टिव पैसिव के ऊपर काम करें नरेशन ट्रांसलेशन पंक्चुएशन और बेसिक वोकैबुलरी के ऊपर काम करें उसके बाद फिर आप ये जो है वो पैराग्राफ राइटिंग करें आउटलाइन मेकिंग स्किल्स के ऊपर काम करें. अगर आपकी अंग्रेजी एक बेयर मिनिमम लेवल तक ठीक है तो उसके फौरन बाद आपका काम ये होना चाहिए कि आपने बगैर टाइम जाया किए इंग्लिश ऐसे को वीकली अपनी प्रैक्टिस के शेड्यूल में जो है वो इंक्लूड कर लें और उसे आप रेगुलर बेसिस पे असेस करें.
क्योंकि वहां से ही आपको पता चलेगा कि आया आप एक बेहतर अंग्रेजी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो जब आपकी ग्रामेटिकली इंग्लिश लैंग्वेज ठीक हो जाएगी तब आपने फिर इंग्लिश एक्सप्रेशन के ऊपर भी काम करना होगा, क्योंकि जैसे सिलेबस में बात की दी गई थी कि आपने आर्टिकुलेशन अपनी इंपॉर्टेंट बनानी है। विदाउट प्रॉपर आर्टिकुलेशन इट इज वेरी मच डिफिकल्ट एक्चुअली लैंड इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस। ओके, वी जस्ट वेट फॉर 2 seconds. कोई बता सकता है कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही? बिकॉज वी हैव अ टेक्स्ट मैसेज के सर आवाज नहीं आ रही। ओके, कोई 2 लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आवाज आ रही है ताकि हम आगे मूव करें? ओके, थैंक यू महराज सोमरो। ओके, आई नो महराज, यस महराज, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड थिंग। दूसरा डिफरेंस ऐसे और दीगर पेपर्स में क्या है कि बाकी पेपर्स में आपको जो सवालात दिए हुए होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पर करंट अफेयर्स में आपको 7 सवाल हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपको डिफरेंट पोर्शंस हैं, कंपोजिशन का जो पेपर है उसमें अगेन आपको मल्टीपल ये जो है वो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। कुछ में कंपलसरी होते हैं, लेकिन बहरहाल आपको एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी बहुत च्वाइस होती है कि आपने क्या अटैम्प्ट करना है, क्या अटैम्प्ट नहीं करना। इंग्लिश ऐसे के पेपर में यू हैव दिस ट्रिकियर thing, and that is कि आपके पास कोई और option नहीं है और सिर्फ इस बात के कि आपने एक ही paper जो है वो सवाल attempt करना है। अब इसमें मसला क्या होता है कि जब आपने एक ही topic attempt करना होता है तो there is a wide range of issues that we face. मैं अब मिसाल के तौर पर बताऊँ आपको कि 2021 में जैसे एक ऐसे है pros and cons of globalization. Name any candidate, आप मतलब 98% लोग देखेंगे, 90% प्लस लोग देखेंगे जिन्होंने ये वाला ऐसे अटेम्प्ट किया होगा। अब इसमें मसला क्या आ जाता है, लेट्स एनालाइज दैट। पहला मसला ये आता है कि टॉपिक की सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है कि विच टॉपिक टू अटेम्प्ट एंड विच टॉपिक नॉट टू अटेम्प्ट, क्योंकि हमने ज्यादातर प्रैक्टिस किए होते हैं एजुकेशन और डेमोक्रेसी के, और खुदा न खास्ता उनमें भी अगर टॉपिक इस तरह से आ जाए मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन, और हमें एग्जाम रूम में पता ही ना हो कि पर्पसिव एजुकेशन या इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या मतलब है, तो अगेन हमारी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक है वो बहुत ही मुतासर होती है। मसलन जैसे टॉपिक था कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट दी लेट्स से एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीम, तो अब अगेन इंटरप्रिटेशन का मसला ये है कि क्या ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, या फॉर एग्जांपल बात हो रही है कि आपने एक्स्ट्रा वेजन से अवॉइड करना है और आपने म्याना रवि की तरफ जो है वो आना है। फिर उसमें फिर एक और फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है फेमिनिज्म के ऊपर, क्या पॉपुलर स्लोगन फेमिनिज्म अ पॉपुलर स्लोगन, कि क्या इसमें फेमिनिज्म एज अ रियलिटी की बात की गई है, एज अ मिथ की बात की गई है, या फेमिनिज्म हैज बिकम सो पॉपुलर अ मोमेंट वर्ल्ड वाइड कि अब इसे रोकना मुश्किल है। जैसे हम कहते हैं कि रोक सको तो रोक लो, कोई चीज रोकी नहीं जा सकती। अब 2 टॉपिक्स हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल इंटरप्रिटेशन के हवाले से। डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, इंटरप्रिटेशन के आइडिया के ऊपर हमने बात की। अब क्लैरिटी के आपने क्या लिखना है, अब इस तरह के ऐसे इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कर लेते हैं कि दे जस्ट स्टार्ट राइटिंग अबाउट व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट आर कॉजेज ऑफ टेररिज्म, हिस्टोरिकल लेट्स से रूट्स ऑफ टेररिज्म, इम्प्लीकेशंस, और फिर आखिर में कोई 10% अपने जो एनर्जी है वो डेडिकेट कर लेते हैं इस आइडिया को कि भाई व्हाट इज एट द एंड ऑफ द डे लेट्स से हाउ इज बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। अब इस तरह के जो इश्यूज हैं वो हमारे सामने जब आते हैं तो थिंग्स टेक अ क्वांटम लीप फॉर द वर्स। तो मसाइल हमने क्या डिस्कस किए कि जब हमें एक ही सवाल अटेम्प्ट करना होता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ रिलेटिव डिफरेंस इन ऐसे पेपर कि पहले बंदे ने जिसका जो पेपर एग्जामिनर ने चेक किया है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ने, उसने जो आर्गुमेंट्स दिए थे और मैंने जो आर्गुमेंट दिए थे जो कि मेरा नंबर है 8,000वां नंबर और 8,000 नंबर पे जो है वो मेरी कॉपी चेक हो रही है, तो वॉट इज अ रिलेटिव डिफरेंस आई हैव क्रिएटेड इन दैट पर्टिकुलर पेपर। सेकेंड ये है कि कुछ टॉपिक्स में क्लैरिटी का इशू आ जाता है और ये जो इशू है वो दीगर सब्जेक्ट्स में बड़ा हमें कम ही नजर आता है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड थिंग, और वो ये है कि अनप्रडिक्टेबल, ऐसे क्या पेपर बहुत हवालों से अनप्रडिक्टेबल पेपर है। ओके, लेट्स वेट वन मोमेंट, हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं कि सर हमें
पहले चैट में जो मैसेजेस दिए गए उनको रिप्लाई करें। अब देखें, अगर हम ऐसा करेंगे कि मैं आधी बात स्लाइड वाली करूं फिर आधी बात आपकी सुनूं, तो देखें आपको फिर इशू होगा, मतलब ना तो मैं अपनी बात कन्वे कर सकूंगा और ना ही आपके आउट ऑफ जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनमें जो है वो एड्रेस कर सकूंगा। हाँ, व्हाट वी कैन डू इज कि मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो सवालात पूछे हों वो पहले ही इसमें जो है वो, चूंकि 8-10 स्लाइड्स और हैं तो उसमें हो सकता है कि वो सारे के जो सारे सवालात हैं वो कैटर हो जाएं, और जैसे ही वो सारे सवालात कैटर हो जाते हैं उसके बाद हम फिर मूव करें कि जी अब आप लोगों के क्या सवालात हैं। ठीक है, तो आई थिंक अली जान हाजन कोई है इंडिविजुअल, उनका यही फोकस था कि जो है वो सर अभी सवालात लें, तो अभी समझ आ गई आप लोगों को, पहले हम लेक्चर कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों के सवालात कर लेते हैं, आई थिंक दैट वुड बी इजियर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम मूव करते हैं। तो ऐसे के पेपर में हम बात कर रहे थे कि द ओनली थिंग अनप्रेडिक्टेबल इन ऐसे पेपर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दीगर पेपर्स में हम थोड़ा सा गैस लगा लेते हैं कि जी इस साल कश्मीर के ऊपर क्वेश्चन आना है, इंडियन ओशन मैरीटाइम पॉलिटिक्स के ऊपर आना है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर आना है, अफगानिस्तान के ऊपर आना है, COVID-19 के ऊपर एक क्वेश्चन आना है, बट अगेन दिस इज वेरी अनयूजुअल विथ ऐसे पेपर। आप कितने भी जो है वो टॉपिक्स तैयार करें, अगेन यू वुड हैव एंटायरली डिफरेंट टॉपिक। मतलब आप एजुकेशन के ऊपर कितने भी टॉपिक्स कर लें, उनका कुछ ना कुछ लिंक तो बन सकता है एनालिसिस में, बट द टॉपिक कैन नॉट और वुड नॉट एग्जैक्टली बी द सेम। तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से भी जो ऐसे का पेपर है वो दीगर पेपर से बहुत डिफरेंट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग इज द साइकोलॉजिकल फियर एसोसिएटेड विद दिस इंग्लिश ऐसे पेपर। पहला पेपर है तो लोगों की नींदें उड़ी हुई होती हैं, लिटरली दे कांट इवन फोकस ऑन लेट्स से व्हाट दे आर गोइंग टू राइट। इतना टेंशन ले लेते हैं लोग, और जाहिर सी बात है इंसान वर्कडअप हो जाता है कि भाई किस तरीके से ऐसे के पेपर को वो हैंडल करेंगे, और एक एक इंटायरली इस तरह की फीलिंग होती है जिसमें खामखा जो है वो कैंडिडेट से टेंशन स्ट्रेस की सूरत हाल में आ जाती है। दीगर पेपर्स में नहीं होता, आप यूज तो होते हैं और आपको फेल्यूर के जो चांसेस हैं वो बड़े कम होते हैं। मसलन आप दीगर पेपर में इतने सारे सवाल नहीं भी आ रहे तो कोई 3 सवाल अटैम्प्ट कर लिए, तो कोई 10-15 MCQs कर लिए, यू कैन फेली पास दैट पर्टिकुलर पेपर, बट दैट्स नॉट ट्रू वेन इट कम्स टू योर इंग्लिश ऐसे पेपर। अब इन डिफरेंसेस के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अब ये सारी चीजें अपनी जगह, व्हाट डज एग्जामिनर रिपोर्ट गाइड अस अबाउट लेट्स से इंग्लिश ऐसे पेपर, हाउ कैन वी अप्रोच इंग्लिश ऐसे इन द लाइट ऑफ द एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट में ये बातें की हैं, पहली बात जो कि हमने आइडेंटिफाई की वो ये है कि एरर्स रिलेटेड टू ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, ये तीनों तरह की एरर्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट आपको नजर आएंगी जब भी आप इंग्लिश ऐसे के पेपर की जो है वो बात करेंगे। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि पहले आपने ग्रामर के ऊपर फोकस करना है और साथ ही आपने जो उससे एसोसिएटेड दीगर चीजें उनके ऊपर भी काम करना है। वोकैबुलरी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो आपको स्पेलिंग्स, जैसे रिसीव में हमें नहीं पता चल रहा होता कि ई पहले आएगी या आई पहले आएगी, आप उनकी एक लिस्ट बनाते जाएं ताकि आप इस मसले को भी हल कर सकें। सेकेंड इज आउटलाइंस का इशू है बहुत, के टॉपिक में कोई और चीज पूछी गई है एंड यू आर आंसरिंग इंटायरली अ डिफरेंट थिंग। मसलन जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि आपसे पूछा गया है डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, और आप लिख रहे हैं कि जी टेररिज्म है क्या, टेररिज्म के कॉजेज इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस क्या है, और फिर आप आखिर में बात करें कि जी हाउ इज डायलॉग द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी जो आउटलाइंस हैं, यू हैव बीन, यू आर सपोज्ड टू राइट समथिंग एल्स एंड यू आर राइटिंग समथिंग इंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो आउटलाइंस फिर काफी लोगों के बहुत शॉर्ट होती हैं, कोई लेट्स से 6-7 आर्ग्यूमेंट्स, 8 आर्ग्यूमेंट्स इस हद तक ही होती हैं, और फिर अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, यानी कि रैंडम कोई थॉट आपके जहन में आ गया, अब आपने लिख लिया विदाउट एक्चुअली properly finding out any causal link of that very argument to your broader essay. Next is के अगर आपने outline ज़्यादा लिखी हैं, structured भी की हैं, तो काफ़ी सारे candidates उन तमाम outlines या arguments को अपने essay के paper में execute नहीं कर सकते, मैं कर पाते। मैं उसकी मिसाल दूँ कि आपने outline में promise किए हैं 22 paragraph,
लेकिन आपकी लिखने की स्पीड इतनी थी नहीं, आप कोई 12-13 पैराग्राफ लिख के जो है वो गिवन टाइम 11:45 हो गए और आपने अभी कोई 12-13 पैराग्राफ लिखे हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से एक्सप्लेन किया है। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो बाकी आइडियाज उन्होंने आउटलाइन में लिखे थे दे जस्ट स्किप देम ऑल टुगेदर। ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी, अगर आप ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी पेनलाइज्ड एंड यू वुड बी अंडर मार्क फॉर दैट। तो जितनी आप आउटलाइन लिखें स्ट्रक्चर्ड हो, बैलेंस्ड हो, और कोशिश ये करें कि वो आपके पेपर में प्रॉपरली एनालाइज्ड हो। अगर वो प्रॉपरली एनालाइज्ड नहीं होगी तो इट वुड हैव द कॉन्सिक्वेंसेस एंड इनफैक्ट आई वुड से द रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर ये कि क्रैम्ड अप मटेरियल ऐसे में ना होना चाहिए। क्रैम्ड अप मटेरियल से क्या है कि एक जमाना था लोग क्या करते थे कि 10-15 ऐसे याद कर लेते थे और उनके जो पैराग्राफ्स है वो बीच में इनकॉर्पोरेट कर लेते थे। मसलन एजुकेशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि बस चंद आइसोलेटेड पैराग्राफ याद कर लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती वहां पर रेलिवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभार हो सकता है कि आपने जो टॉपिक याद किया हो वही टॉपिक जो है वो रिपीट हुआ एग्जाम में, तो हो सकता है कि वो पास चल जाए। जैसे ग्लोबल वार्मिंग कोई 3 बार सवाल आ चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टॉपिक है आई मे डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट, ये वोल्टेयर की कोटेशन है, ये ऐसे 2-3 मरतबा आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में चले आपको कोई याद किया हुआ ऐसे थोड़ा सा चल सकता है, चांसेस हैं कि आप पास हो जाएं, लेकिन बिलीव यू मी उसमें भी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि वो ऐसे अपडेटेड डायनामिक्स के मुताबिक नहीं लिखा हुआ था। उसमें फिर आपकी मिसालें वही होती हैं 16वीं सदी की और 19वीं सदी की, रादर देन जस्ट रिलेटिंग इट टू द कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स आप उसमें जो है वो पास्ट में रिफ्यूज लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो क्रैम्ड अप मटेरियल से आपने अवॉइड करना है, मटेरियल अपडेटेड होना चाहिए और कोशिश करें कि वो क्रिएटिव होना चाहिए। अब उसकी मैं आखिरी मिसाल दूं आपको कि क्यों आपने विद इन एसे, ये जो एसे है वो विद इन एग्जाम रूम लिखना है। अब हमारे पास एक टॉपिक था 2018 में डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, 2020 में एग्जैक्टली एक टॉपिक आया कि पोलराइज पॉलिटिक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब जिन लोगों ने डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स को प्रैक्टिस किया था अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने एग्जैक्टली वही ऐसे लिख दिया 2020 में एंड द रिजल्ट इज वेरी मच ऑब्वियस एंड वेरी मच बिफोर यू। अब इसमें हुआ क्या, क्रैम्ड अप मटेरियल कैन एक्चुअली लीड यू टू अ कॉर्नर टू अ डेड एंड। आप उसमें फेल्यूर के अलावा बड़े कम चांसेस हैं कि आप उससे जब वो निकल सके क्योंकि एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं और पूछी हुई हैं। इस पर्टिकुलर ऐसे की अगर हम मिसाल देख लें तो आपने पोलराइज पॉलिटिक्स के जब तक कॉन्टेक्स्ट में इश्यूज एंड चैलेंजेस आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे तो बिलीव यू मी दिस इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी पॉसिबल मैनर। नेक्स्ट है कि रिक्वायर्ड लेंथ जो है वो ऐसे के पेपर में लिखना, अगेन दैट इज अ हरकुलस जॉब। लोग हैं प्रैक्टिस नहीं की होती तो आउटलाइन ही उनसे कोई 1.5 घंटा लेके जाती है और फिर बकाया जो 1 घंटा उनके पास बचता है या लेट्स से 1.5 घंटा तो उसमें हार्डली कोई 6-7 पेजेस लिख लेते हैं। तो लिखी हुई वैसे लेंथ होती है 2500 से 3000 अल्फाज। मेरा नहीं ख्याल कि हर कैंडिडेट को इतनी लेंथ लिख पाता है, लेकिन अगर आपने फेयर मैनर में कोई 14-15 पेजेस भी लिखे हैं, 12 पेजेस तक लिखे हैं तो यू कैन क्वालिफाई ऐसे। मतलब उसमें ये ऊपर वाली सारी चीजें जो मैंने रिकमेंड की हैं उनका आपने ख्याल करना है, लेकिन एट द सेम टाइम लेंथ इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट। मतलब ये नहीं कि आपने बड़े अच्छे आइडियाज लिखे लेकिन 3 से 4 पेजेस का आपने ऐसे लिखा है तो ये स्कूल ऐसे नहीं है, ये CSS, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ऐसे, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। उसके बाद आपकी एनालिसिस के इश्यूज ना हो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर रिपोर्ट, कि आपके थॉट्स रैंडम ना हो, जो बात आपने की हो उसके लिए आपने प्रॉपर सब्सटेंशिएशन की हुई हो। मसलन आप अगर कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स कैन निप द ईविल ऑफ टेररिज्म इन बड, शो अस थ्रू एग्जांपल, शो एग्जामिनर थ्रू एग्जांपल, थ्रू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, थ्रू कोटेशन दैट इन सर्टेन केसेस आर कहां कहां पे जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स ने टेररिज्म को जो है बेसिकली डिफीट किया है। अगर आप बात करें कि फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म तो शो टू द एग्जामिनर एज टू व्हिच आर सर्टेन फॉरेन एजेंसीज वेयर दे हैव बीन इन्वॉल्वड एंड व्हाट टाइप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज दे हैव एक्चुअली स्पॉन्सर्ड इन पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल सेटिंग। तो ये सारी बातें हैं एग्जामिनर रिपोर्ट में जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं। नाउ बेस्ड ऑन दैट हम जो है वो लेट्स से
तीन चीजों के ऊपर हम इस आइडिया के ऊपर बात करेंगे कि फिर अब एसे का पेपर हमसे डिमांड क्या करता है। एसे का पेपर हमसे पहले तो डिमांड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकंड, एसे का पेपर हमसे डिमांड करता है कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एसे। और तीसरा है कि कंटेंट, आपका कंटेंट जब तक रिच नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू एक्चुअली प्रूव योर आर्गुमेंट व्हाट आई वुड से बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब इन तीन चीजों के अलावा वैसे एक चीज मैं आपको रिकमेंड करूं कि ऐसे आप लोग सीख जाएंगे, इस तरह के सेशंस हो जाएंगे, आप किसी भी टीचर के पास चलें पढ़ भी लेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं ना एक लम्हे के लिए। जब तक आप उसे वीकली प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, जब तक आप उसकी रेगुलर असेसमेंट नहीं कराएंगे, तब तक जो है वो आप नहीं जो है वो ऐसे के पेपर में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। मसलन जो मेरा एक्सपीरियंस है चार मरतबा ऐसे को क्वालिफाई करने का, उसमें एग्जैक्टली जो बात थी वो यही थी कि आपने जो मेरा तरीके कहा था वो यही था कि हर फ्राइडे या सैटरडे को मैं ऐसे लिख लेता था और फिर हर जो है वो संडे को मैं असेस करा लेता था। तो असेसमेंट इज बेसिकली की जब तक आप असेसमेंट नहीं कराएंगे, आई डोंट थिंक कि आपके जो फ्लॉज हैं ऐसे के हवाले से वो प्रॉपर मैनर में हल हो सकेंगे। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम क्या जो है वो कर सकते हैं, हम इस सेशन में क्या चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक्सप्रेशन के ऊपर कैसे काम करना है, वॉट इज द डिक्शन ऑफ एन एसे, आपने किस तरह का एक्सप्रेशन लिखना है, किस तरह की आर्टिकुलेशन करनी है, फॉलोड बाय स्ट्रक्चर ऑफ एसे, जो कि मैंने बात की कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, टूल्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग क्या है, आउटलाइन मेकिंग स्किल्स क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स क्या हो सकते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखने के क्या क्या तरीकेकार हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ हम कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो कि मिसाल के तौर पर फोकस कर लेते हैं एनेक्डोटल जो है वो मेथड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर, काफी लोग हैं जो कि यूनिवर्सल मेथड के ऊपर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं लिखने में। तो एनीवे वी विल बी डिस्कसिंग सच ऑल टाइप्स ऑफ लेट्स से मेथड्स ऑफ राइटिंग इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। फिर हम ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन विद इन पैराग्राफ, ऑर्गेनाइजेशन विद इन एसे, and then we will be focusing on the content. So ek area ek theme ka main aapko content jo hai wo discuss kar lunga aapke sath. Aur is pure session mein hum ye karenge ki aapke do full length essays hum check karenge aur aapke panch introduction aur outlines check ho jayenge aur do se teen aapke jo body paragraphs honge essay ke jo aap likhenge wo main aapke assess kar lunga. Aapne jo bhi kaam karna hoga wo aapne handwritten जो है वो लिख के उसकी तस्वीर लेके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, तो आपको हर जो है वीक का आपका वर्क चेक होता नजर आएगा। एक और हम ये काम करेंगे कि 2017, 18, 19, 20, 21 ये चार साल के जो पेपर्स हैं ना, हम इनका थोड़ा सा एक ओवरव्यू देंगे, लेकिन हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे कि 2021 का जो एसे पेपर है वो क्या है, उसमें क्या इश्यूज हैं और उनकी जो डायनामिक्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन से टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगा, मैं चूंकि इसमें हमारे पास डाइवर्स कैंडिडेट्स होते हैं तो फिर हम ये टॉपिक्स हैं जो जिनके ऊपर बात करेंगे या जिनकी मैं आउटलाइंस आपके पास आपके साथ ये जो है वो शेयर कर सकता हूँ। एक है पावर्टी इन पाकिस्तान, हम बेसिक टॉपिक, टेररिज्म इन पाकिस्तान, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, एथनिक इश्यूज, crisis of national integration followed by the rise of Islamophobia, this is an international issue today, crisis of good governance, informal economy, the western perception of Islam. ye hum pehle half, ye jo pehla week hoga hamara, usme hum ye discuss karenge, do se teen hum topics jo hai wo roz discuss karenge, that would be followed by, yani ki in topics hum kya discuss karenge, इन टॉपिक्स के ऊपर आपको पहले काम दिया जाएगा, आप भी वो काम करेंगे, अगले दिन मैं आपके साथ उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लूंगा, और या फिर हम ये करेंगे कि हम उनके ऊपर एक ब्रॉड आउटलाइन, यहाँ पे जैसे अभी स्लाइड्स चल रही हैं उन स्लाइड्स के मदद से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, और हम थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स चीजों को सोचने की कोशिश करेंगे। Okay, we have question from Sanya Akram. Sanya, can you just wait for 5 more minutes? आके मैं conclude कर लूँ अपनी तरफ से चीजें, फिर आप लोगों के सवाल आते हैं, जवाब आते हैं, right? Okay. I think that would be a more mature approach towards understanding.
नेक्स्ट हम और कौन से टॉपिक्स इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे, यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जेंडर इक्वलिटी, मिथ और रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, आईएमएफ एसएपीस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स, टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ पाकिस्तान, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अगेन जैसे हमने बात की कि इन सब टॉपिक्स के 10 पहले टॉपिक्स हो गए, 9 आपके ये टॉपिक्स हो गए, तो ये अराउंड 19 टॉपिक्स यहाँ तक हो गए जिनके बारे में बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इनके आइडिएशन क्या है, आर्गुमेंटेशन क्या है, क्या आर्गुमेंट्स इनके ऊपर बन सकते हैं। बेसिकली वो डिस्कशन भी होगी और साथ में आपको उन टॉपिक्स का आउटलाइन मेकिंग स्किल्स का जो आर्ट है वो भी समझाए जाने की कोशिश की जाएगी। इसमें मैंने फर्दर कुछ और भी चीजें ऐड कर ली हैं, आई जस्ट वॉन्ट एड दोज थिंग्स। हम कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बड़े चैलेंजिंग होते हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे, जैसे और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, इस कॉलोनियल मेंटालिटी इंपीडिंग पाकिस्तान्स प्रोग्रेस, इस वर्ल्ड पीस पॉसिबल, सोशल मीडिया बड़ी अनएक्सप्लोर्ड जो है वो डोमेन है सीएसएस कैंडिडेट्स की, हैज सोशल मीडिया किल फ्री स्पीच, इज पॉपुलिज्म अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, डस फेक न्यूज अंडरमाइन डेमोक्रेसी। और उसके अलावा भी कुछ हैं जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम है, जैसे COVID-19 है, जैसे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, ये हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे कि हम अराउंड 16 लेक्चर्स करेंगे, जैसे आज हमने लेक्चर किया है, ये हमारा पहला लेक्चर है। इस तरह के हम 15 से 16 लेक्चर्स और करेंगे और हर लेक्चर का एक अलहदा से काम डिफाइंड होगा। जो लोग कल हमें ज्वाइन करेंगे वो हमारे साथ पढ़ेंगे आउटलाइन मेकिंग स्किल्स। एक तो आउटलाइन होती क्या है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाना जरूरी है, और आउटलाइन बना के एट द एंड ऑफ द डे हम अचीव क्या कर सकते हैं, या एक टॉपिक की नेचर के मुताबिक आउटलाइन क्या होनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ये जो काम है वो हम अगले 4 से 5 दिनों में करेंगे, जिसमें हम बेसिकली इनमें से मुख्तलिफ टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे और इनके बारे में आइडिएशन और आर्गुमेंटेशन भी करेंगे, मतलब उसमें हम कुछ टाइम लेंगे। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ राइटिंग। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम एनेक्डोटल मेथड भी डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सल मेथड ऑफ राइटिंग पैराग्राफ वो भी डिस्कस करेंगे, कोटेशनल जनरल टू स्पेसिफिक और जो कोटेशनल मेथड है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर काम करेंगे, आखिर में हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ लेंगे। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा देन अवर फोकस वुड बी ऑन व्हाट इज कंटेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर द कंटेंट फॉर लेट्स से इंग्लिश एसे पेपर। ठीक हो गया, दैट इज ओनली वन वे वी कैन एक्चुअली मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, वी कैन मेक थिंग्स लेट्स से इफेक्टिव फॉर अस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ लेते हैं, रीडिंग स्किल्स क्या हैं, और उसके अलावा भी फिर ये होता है कि हर बैच में जो कैंडिडेट्स होते हैं रजिस्टर्ड वो फिर और भी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो उन्हें नहीं आ रहा होता वो भी फिर हम अलहदा से उसका एक प्लान कर लेते हैं कि हम किसी वीकेंड पे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बहरहाल हम ये जो सेशन है उसको इस तरीके से लेके चलेंगे। एसे का पेपर आई थिंक चैलेंजिंग होता है, बट आई पर्सनली बिलीव आफ्टर क्वालिफाइंग एसे फॉर 4 कंसेक्यूटिव टाइम्स आई हैव रीच्ड अ कंक्लूजन दैट द ओनली वे यू कैन डिफीट योर हार्ड लक इज हार्ड लेबर। आप हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हुए हों, सेकेंड अटैम्प्ट में फेल हुए हैं, या फिर थर्ड अटैम्प्ट हो आपकी अभी, या पीएमएस की अटैम्प्ट हो या सीएसएस की, वॉट एवर यू हैव टू वर्क हार्डर दिस टाइम। ठीक है, एंड ऐसे का जो खौफ है यू हैव टू ओवरकम इट, एंड द ओनली वे यू कैन ओवरकम दिस फियर इज बाय फेसिंग। आप इस खौफ का सामना करें एंड यू वुड सी दैट द फेट वुड स्माइल एट यू एंड इंशाल्लाह यू विल गो थ्रू दिस पेपर। रेगुलर क्लासेस हमारी इसकी होंगी रोजाना 5 से 6 बजे। आप में से कल वो लोग क्लास अटेंड कर सकेंगे जिन्होंने कल 12 बजे तक या कल क्लास से पहले तक ये जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा लिया होगा। आई विश यू गुड लक। मेरी तरफ से ये बातें थी, नाउ वी विल मूव फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अब आप लोगों के जितने भी सवाल आते हैं आप पूछ सकते हैं ताकि मैं उन्हें आंसर कर सकूं। हम स्लो एंड ग्रेजुअल मैनर में जाएंगे ताकि जो जो सवाल मुझे समझ आ जाए मैं उनको एड्रेस कर सकूँ।
ओके, सानिया अकरम का सवाल ये है कि मैं पढ़ लेता हूँ ताकि फिर सबको क्लियर हो, कि इंट्रोड्यूस योर क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज टू अस सो दैट वी मे नॉट वेस्ट अवर टाइम बाय बिलोंगिंग टू रॉन्ग पीपल, प्लीज आंसर मी बाय यू ऑनर एंड ब्रॉडनेस। ओके, मैं आपने चूंकि लेट ज्वाइन किया वरना मैंने तो तारुफ से ही शुरू कर लिया। मोहम्मद शरीफ मेरा नाम है, आई हैव क्वालिफाइड CSS 2019, आई हैव क्वालिफाइड PMS 2018 एंड 19 एज वेल, सो आई कैन से विद कन्विक्शन दैट विद द ग्रेस ऑफ गॉड अलमाइटी आई हैव हैट्रिक इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जहाँ तक इंग्लिश एसे की बात है तो 2018 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी तो आई स्कोर 52 मार्क्स इन इंग्लिश एसे पेपर। तो 2018 19 CSS PMS फॉर फोर कंजेक्टिव टाइम्स आई हैव क्वालिफाइड दिस पर्टिकुलर पेपर। पढ़ाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो 2018 के मार्च से जो है वो मैं पढ़ाता हूँ, और मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मैं साथ में करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाता हूँ, और दैट टू फ्रॉम लास्ट लेट्स अभी हम कितने कहेंगे 2018 मार्च, सो 2021 मार्च, सो सिंस लास्ट 3 ईयर्स, और इंटरनेशनल रिलेशंस ये मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। ग्रेजुएशन मैंने की हुई है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से, और 2013-17 मेरा सेशन था, 2018 में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, मैं फेल हो गया लेकिन PMS क्वालिफाई हो गई, 2019 मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी, CS